पाकिस्तान की अवाम आइन के तहफ़ के लिए अपने अजीम लीडर इमरान खान की क़्यादत में हर करप्ट चोर लुटेरे आइन शिकन माफियाज और इनके सहूलतकारों के खिलाफ सीसा पिलाई हुई दीवार बनकर सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस के आइनी फैसले के साथ खड़े हैं। आइनो कानून को तोड़ने वाले तमाम खुद को ज़मीन खुदा समझने वाले फिरौनियत का जहन रखने वाले सुन लें और तारीख से सबक हासिल करें कि जुल्म जब हद से बढ़ता है तो मिट जाता है। ये मखलूक खुदा जिसे तुम कीड़े मकोड़े समझते हो, जिनके साथ तुम वहशी दरिंदे बनकर जंगली जानवरों वाला सलूक कर रहे हो, अपने इक्तदार इख्तियार के नशे में बदमस्त जंगली हाथी की तरह सब कुछ रोन देना चाहते हो। याद रखना कि मखलूक खुदा जब जुल्म जबर के खिलाफ उठती है ना तो फिर दुनिया की तारीख भरी पड़ी है कि बड़े बड़े शहंशाहों बादशाहों के महलात इनकी ताकत सब कुछ कुचल कर रख देती है। इसलिए अभी भी वक्त है होश के नाखुन लो और इक्तदार की लालच में अपने ही मुल्क की अवाम पर जुल्म बंद करो। इन्हें इनका बुनियादी हक दो कि वो अपनी मर्जी के लोगों को इक्तदार पर बिठाएं, क्योंकि ये जमहूरियत है, बादशाहत भी हो तो अवाम पर जबर जुल्म के इंतहा होने पर बादशाहों के तख्त भी ये आम अवाम गिरा देती है और इनके सरों पर सजे ताज को ताराज कर देती है। क्या तुमने तारीख से सबक नहीं सीखा? तुम तो कुछ भी नहीं। इस दुनिया की तारीख में ऐसे ऐसे ताकतवर हुक्मरान बादशाह गुजरे हैं जिनका दबदबा पूरी दुनिया पर था, जबकि फतुहात का सिलसिला ना ख़त्म होने वाला था, जिनके जबर जुल्म से ज़मीन थर थर काँपती थी, लेकिन ऐसे ऐसे नामवर शहनशाहों और इनके ख़ानदानों के नामों निशान मिट गए। वो अल्लाह की मदद से इसी कमज़ोर आवाम के हाथों ही तबाह हो गए और फिर सिफ़ाए हस्ती से मिटा दिए गए।